नमस्ते, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बनाएंगे आलू पेटीज। इसके लिए मैंने लिया है एक बोल, दो कप मैदा, थोड़ा अजवाइन, हाफ टी स्पून नमक, 2 टेबल स्पून तेल। अभी से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेंगे। अब हमारी डो तैयार हो चुकी है, इसे ढक के रख देंगे। अब हम पेटीज का स्टफिंग तैयार कर लेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे तेल, थोड़ा जीरा, थोड़ा हरी मिर्च, थोड़ा प्याज। अब डालेंगे थोड़ा अदरक। अब डालेंगे धनिया पत्ता। आपके पास मटर हो तो मटर भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। अब डालेंगे उबला हुआ आलू मैश करके। अब डालेंगे मसाले, थोड़ा हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा चाट मसाला या आमचूर पाउडर, काली मिर्च पाउडर। अब इसे मिलाएं। अब ये हो चुकी है। अब हम एक घोल तैयार कर लेंगे। इसके लिए लेंगे थोड़ा घी, थोड़ा कॉर्नफ्लावर या मैदा। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये मिक्स हो चुकी है। हमने जो डो तैयार किया था उसे छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। मैंने सारा बॉल बना लिया है। अब इसे हम बेल लेंगे। हमने जो घोल तैयार किया था वो इस पर डालेंगे, इस पे अच्छे से लगा देंगे। अब इसे साइड में रख देंगे। ऐसा ही हम सबको बेल लेंगे। इस पे भी ये अच्छे से लगा देंगे। थोड़ा मैदा भी छिड़ देंगे। इसे एक दूसरे पर इस तरह रख देंगे। ऐसे ही हमें 7 रोटी का लेयर बना लेना है। अब इसे थोड़ा बेल लेना है। इसके साइड काट लेंगे। इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब इधर से भी इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये 9 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अभी इसे थोड़ा बेल लेंगे, स्टफिंग डालेंगे, इस तरह से इसे चिपका देंगे। इस तरह से हम सारी पेटीज तैयार कर लेंगे। अभी इसे छान लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर ही छानेंगे। अब ये हो चुकी है, इसे निकाल लेंगे। लो जी, तैयार है आलू पेटी। तो कैसा लगा आपको खा के कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।